मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 11th बायोलॉजी की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और एनिमल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे वर्ग एवीज और स्तनधारियों के प्रमुख लक्षणों के बारे में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एवीज अर्थात जितने भी पक्षी वर्ग हैं वो सब किस में आते हैं? एक सिंपल समझने की ट्रिक है कि जो पक्षी हैं वो सब वर्ग एवीज में आते हैं, और जो पक्षियों के लक्षण आप देखते हैं बच्चों वो उस वर्ग के लक्षण हो जाएंगे। तो एवीज का मुख्य लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति तथा उड़ने की क्षमता से है। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि इन पे क्या रहता है। पहला लक्षण शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति और उड़ने की क्षमता। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो नहीं उड़ पाते क्योंकि बहुत भारी होते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच और शुतुरमुर्ग। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिए कि कौन से पक्षी नहीं उड़ पाते, ये थोड़ा सा फ्लो कर पाते हैं। इनमें चोंच पाई जाती है, दूसरा हो गया इसका अक्षर। तीसरा प्रमुख लक्षण क्या हो जाएगा? अग्रपाद यानी सामने के पहले के रूपांतरित होकर के पंख बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पंख बनाते हैं, विंग्स बनाते हैं। और पश्चपाद में सामान्यतया शल्क होता है जो रूपांतरित होकर के चलना तैरना तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि को छोड़कर कोई और त्वचा ग्रंथि नहीं पाई जाती। ये चीज समझ में आ रहा कि पहला क्या है? शरीर के ऊपर पंखों की उपस्थिति जिसके कारण उड़ने की क्षमता होती है, कुछ पक्षी जैसे ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग को छोड़कर। दूसरा, इनमें चोंच पाई जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर, अग्रपाद यानी जो फोर लिम्स हैं वो क्या हो जाते हैं? रूपांतरित होकर के पंख बनाते हैं। पश्चपाद सामान्यतः शल्की होते हैं लेकिन रूपांतरित हो जाते हैं जो चलने में तैरने में तथा पेड़ों की शाखाओं को पकड़ने में सहायता करते हैं। त्वचा शुष्क होती है, पूंछ में तेल ग्रंथि पाई जाती है और कोई त्वचा ग्रंथि इनमें नहीं पाई जाती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर और यहाँ पे आ रहा बच्चों, आप देख रहे होंगे, अंतःकंकाल की लंबी अस्थियां खोखली होती हैं, हॉलो होती हैं। बोन कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं तथा वायु कोश से युक्त होती हैं, यानी एयर चैम्बर जैसे होती हैं। क्यों होती हैं ये? आप बताइए जरा क्यों होती हैं? इसलिए होता है ये कि ये उड़ते हैं, उड़ने के कारण यदि इनकी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो भारी होंगी, वेट में होंगी, तो ये उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए इनकी हड्डियां खोखली होती हैं, वायु कोष एयर सैक से युक्त होती हैं ताकि ये उड़ान अच्छे से भर सकें। इनके पाचन पथ में सहायक संरचना ट्रॉप तथा पेशणी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अगेन जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें ट्रॉप और पेशणी पाई जाती है। हार्ट जो होता है पूर्ण रूप से फोर चैम्बर्ड होता है। कितने चैम्बर्ड होता है? चार, चार कक्ष, दो आलिंद दो निलय पाए जाते हैं। यह समतापी होते हैं अर्थात होमोथर्मस। इनके शरीर का जो ताप है वो नियत बना रहता है, एक सा बना रहता है। श्वसन जो होता है फुफ्फुस यानी फेफड़ों के द्वारा इनमें श्वसन की क्रिया होती है, फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। वायु कोष फुफ्फुस से जुड़कर सहायक श्वसन अंग का निर्माण करता है। अब पक्षी वर्ग के नो डाउट आप सबको बहुत अच्छे से उदाहरण मालूम है, जैसे कार्वस कौआ, कोलुम्बा कपोत कबूतर, सिटिकुला तोता, स्ट्रियो ऑस्ट्रिच, पैवो मोर, एडिनोडाइटिस पेंगविन, सूडोगाइपस गिद्ध। ये पक्षी वर्ग के सदस्यों के नाम हैं। अब यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, कुछ पक्षी, ये चील है, शुतुरमुर्ग है, तोता है और मोर। तो ये पक्षी वर्ग के मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स आप याद कर लीजिए तो आपको बहुत अच्छे से वर्ग एवीज को बताते बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम वर्ग स्तनधारी। स्तनधारी मतलब जो बिल्कुल सिंपल सा आपको याद रखना है कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, स्वयं का दूध पिलाते हैं, इसलिए वो स्तनधारी के अंतर्गत आते हैं। इस वर्ग के प्राणी सभी प्रकार के वातावरण में पाए जाते हैं, चाहे वो ध्रुवीय ठंडे भाग हों, रेगिस्तानी इलाके हों, जंगल या घास के मैदान या अंधेरी गुफाएं। इनमें से कुछ उड़ने तथा पानी में रहने का अनुकूलन होता है। स्तनधारियों का सबसे प्रमुख लक्षण दूध उत्पन्न करने वाली स्तन ग्रंथि है, मिल्क सेक्रेटरी ग्लैंड है स्तन ग्रंथि, जिससे बच्चे पोषण प्राप्त करते हैं।
इसमें दो जोड़ी पाद होते हैं जो चलने, दौड़ने, वृक्ष पर चढ़ने के लिए, बिल में रहने, तैरने अथवा उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। इनकी त्वचा पर दूसरा है रोम पाए जाते हैं, हेयर उपस्थित रहते हैं। बाह्य कर्ण पल्लव पाए जाते हैं। आपके जो कान है देखना सामने, बाह्य कर्ण जो जो हिस्सा आपको कान का पकड़ के आता है ना, वो बाह्य कर्ण कहलाता है, वो बाह्य कर्ण पल्लव कहलाते हैं। जबड़े में विभिन्न प्रकार के दांत जो मसूड़ों की गर्तिका में लगे होते हैं। हृदय कैसा होता है? चार प्रकोष्ठ का होता है, यानी फोर चैम्बर, दो आलिंद, दो निलय में। श्वसन की क्रिया पेशी डायफ्राम के द्वारा होती है। लिंग अलग अलग होते हैं। निषेचन आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता। कुछ को छोड़कर सभी स्तनधारी बच्चे को जन्म देते हैं, तथा परिवर्धन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है। ये बिल्कुल सिंपल लक्षण है जो आपको कभी नहीं भूलेंगे। उदाहरण जैसे अंडे देने वाले हो गए, और नीथोरिकस हो गया, प्लेटीपस या डगबिल बोलते हैं। जरायुज में जैसे मैक्रोपस कंगारू, पैरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस ऊंट, मकाका बंदर, रेटस चूहा, कैनिस कुत्ता, फेसिस बिल्ली, एलिफस हाथी, इक्विस घोड़ा, डेलिफिनस सामान्य डॉल्फिन, वेलिनिप्टेरा ब्लू वेल, पेंथेरा टाइग्रिस बाघ, पेंथेरा लियो शेर, और स्तनी वर्ग में स्वयं मनुष्य भी आता है। और यहाँ पर जो दिखा रहे हैं ये स्तनी वर्ग के कुछ स्तनधारियों के चित्र हैं। तो बच्चों ये था आपका वर्ग एबीज और वर्ग स्तनधारी के बारे में वर्णन। नेक्स्ट वीडियो में इसके पहले हम यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट देखेंगे जिसमें हमने बताया कि किस प्रकार से उनमें कंपेरेटिव स्टडी आप याद कर सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसके लिए आपको ये कंपेरेटिव स्टडी अगर आप याद करके रखोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगी। आप इसको बहुत अच्छे से नोटबुक में नोट करिए और याद करिए। जैसे संघ पोरिफेरा, संगठन स्तर कैसा है? कोशिका स्तर का। सम्मिति, इसमें सिमेट्री अनेक प्रकार की, गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अनुपस्थित, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित, विशेष क्या है? शरीर में छिद्र तथा स्नायु तंत्र। तो ये चीज आपके इसमें इंपॉर्टेंट हो गई। इस प्रकार से आप इंपॉर्टेंट फीचर याद कर सकते हैं। सीलेंट्रेटा एंड आइडेरिया में ऊतक स्तर का संगठन, इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, बाकी गुहा अनुपस्थित, खंडी भवन अनुपस्थित, पाचन तंत्र अनुपस्थित, परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित, श्वसन तंत्र अनुपस्थित। ये अनुपस्थित इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ये क्रियाएं होती नहीं, ये क्रियाएं होती हैं लेकिन बहुत डिफाइंड ऑर्गन लेवल के स्तर पर नहीं होती। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? नीडोब्लास्ट कोशिका उपस्थित रहती है। तीनों फोरा में भी टिश्यू लेवल का संगठन होता है, रेडियल सिमेट्री होती है, और मेन है कंकत चलन के लिए पट्टिकाएं उपस्थित होती हैं। ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर हो गया। प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम देखें तो अंग तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन चालू हो जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, और इसमें जो विशेष लक्षण होता है चपटा शरीर और चूषक अंगों की उपस्थिति, ये प्लेटीहेल्मिन्थीज का मेन लक्षण है। एसकेहेल्मिन्थीज में देखें तो इसमें भी ऑर्गन लेवल का संगठन, बाइलेटरल सिमेट्री, और इसमें क्रमी रूप, ये प्राय जितने क्रमी लंबे क्रमी वो इसके अंतर्गत आते हैं। एनिलिडा में हम देखें ऑर्गन लेवल का संगठन बायलेटरल सिमेट्री, प्रगुही होते हैं, और इसमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है, खंडी भवन उपस्थित होता है, परिसंचरण तंत्र भी उपस्थित और श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है, शरीर वलियों की तरह खंडित होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर में खंडित रहता है। आर्थोपोडा में देखें तो अंग तंत्र लेवल का संगठन बायलेटरल सिमेट्री। देखिए जैसे हम विकास के स्तर में आगे बढ़ते जाएंगे सिमेट्री बायलेटरल होती जाती है। गुहा प्रगुही होते हैं, खंडी भवन उपस्थित, पाचन तंत्र पूर्ण, परिसंचरण तंत्र उपस्थित, श्वसन तंत्र उपस्थित, और बाह्य कंकाल जो होता है वो काइटिनी और संधि युक्त पाद, इस फाइलम की, इस वर्ग की विशेषता है, इस संघ की विशेषता है। अब देखें हम मोलस्का, इसमें अंग तंत्र लेवल का द्विपार्श होते हैं, प्रगुही होते हैं, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र उपस्थित, बाह्य कंकाल कवच उपस्थित रहता है। एकाइनोडर्मेटा अंग तंत्र का अरी लेवल यानी रेडियल सिमेट्री, प्रगुही होते हैं, और इसमें भी सारे तंत्र उपस्थित, और जल संवहन तंत्र और रेडियल सिमेट्रिक मेन फीचर है इनका। हेमिकार्डेटा में हम देखें अंग तंत्र स्तर का संगठन द्विपार्श्वी, प्रगुही, इसमें भी परिसंचरण तंत्र उपस्थित,
श्वसन तंत्र उपस्थित पूर्ण रहता है, कृमि के समान शुंड कालर तथा धड़ उपस्थित। कॉर्डेटा अंग तंत्र उपसंगठन होता है, द्विपार्श्व होते हैं, प्रगु ही होते हैं, सारे फीचर्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। पृष्ठ रज्जु खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु क्लोम छिद्र तथा पाद अथवा पंखों की उपस्थिति। तो बच्चों ये था जो एनिमल क्लासिफिकेशन में मेन फीचर्स का कंपेरेटिव स्टडी। नेक्स्ट वीडियो में हम पुष्पी पौधों के आकारिकी का अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।